गाइज, न्यूज़ तो आपने भी सुनी होगी कि इंटेल भी अपने जीपीयूज लेके आ रहा है। इंटेल के जीपीयूज भी हमें कुछ दिन बाद देखने को मिलने वाले हैं। इंटेल के फिजिकल जीपीयू, इंटेल के डिस्क्रीट जीपीयू मार्केट में आने वाले हैं इस साल के एंड तक या फिर अगले साल की शुरुआत में हमें देखने को मिल जाएंगे। अब गाइज, बात इस वीडियो में हम ये करने वाले हैं कि इंटेल के जीपीयूज कितने पावरफुल होने वाले हैं, किस किस फीचर के साथ ये देखने को मिल सकते हैं, और एएमडी और एनवीडिया जितने पावरफुल होंगे या नहीं होंगे, उनसे कॉम्पीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। इंटेल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हम अपने जीपीयूज लॉन्च करने वाले हैं, और जो नाम है वो भी बदल चुका है। तो सारी चीज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर आपको जानना है इंटेल के जीपीयूज के बारे में। तो गाइज, अगर हम बात करें इंटेल के हिस्ट्री की, तो इंटेल की अगर हिस्ट्री की बात करें, तो अगर ग्राफिक्स में बात करें, तो इंटेल अपने सिर्फ आईजीपीयू से हीट है, और आईजीपीयू ही हमें देखने को मिलते थे, जैसे यूएचडी, एचडी ग्राफिक्स या फिर एक्सी ग्राफिक्स, यही हमें देखने को मिलते थे, और ये प्रोसेसर के साथ आते थे। तो ये नॉर्मली काम करते थे, जैसे कि डिस्प्ले करना, या फिर नॉर्मली आपको मूवीज देखना, या फिर आपको गेम्स खेलना है, जैसे वाई सिटी, सैन एंड्रियास, तो उनमें ये काम आते थे। पर अगर हमको ट्रिपल ए टाइटल खेलना है, तो उनमें ये बिल्कुल काम नहीं आते थे। तो यही देख के अब इंटेल को लगा है कि हमें भी अब अपना ग्राफिक कार्ड लेके आना चाहिए, हमें भी अपने डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड लेके आना चाहिए, जो कि लोग बाय करें और गेम्स खेल सके। तो गेमिंग लाइन के लिए यहाँ पर ग्राफिक कार्ड लॉन्च कर रहा है इंटेल। तो गाइस, पहले जो उसका नाम बोल रहे थे लोग, वो बोल रहे थे कि डीजी 2 होगा, डीजी 3 होगा, पर गाइस नाम बिल्कुल चेंज हो चुका है। इंटेल के जो नए ग्राफिक कार्ड आएंगे, उनका जो नाम होगा वो होगा इंटेल आर्क। तो गाइस, इंटेल आर्क से ये ग्राफिक कार्ड लॉन्च होंगे, और इंटेल आर्क लाइनअप में ही हमें ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेंगे। अब गाइस, यहाँ पर अभी इंटेल ने यहाँ पर अपने चार जनरेशन के नाम बता दिए, जो कि आने वाले जनरेशन में हमें मालूम पड़ेंगे। जो कि चार जनरेशन जो नाम यहाँ पर बताया है, पहले जो जनरेशन है उसका नाम रखा है अल्केमिस्ट, जो कि सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा, जो कि इस साल के एंड तक या फिर अगले साल की शुरुआत में हमें देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम होगा इंटेल आर्क अल्केमिस्ट। उसके बाद बैटलफील्ड आएगा, उसके बाद सेलेशियल आएगा, और उसके लास्ट में ड्यूरिड आएगा। तो गाइस, ये चार यहाँ पर नाम आपको देखने को मिल रहे होंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख भी रहा होगा। तो गाइस, ये चार जनरेशन आने वाली है, जो सबसे पहले आएगी वो आएगी इंटेल आर्क अल्केमिस्ट। तो अल्केमिस्ट में यहाँ पर गाइस हमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया फीचर्स भी देखने को मिलने वाले हैं, और काफ़ी बढ़िया यहाँ पर हमें यहाँ पर लाइनअप भी देखने को मिलने वाली है। अगर हम फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पर आपको रियल टाइम रे ट्रेसिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी है, और इस ग्राफिक कार्ड को भी अच्छा बनाती है। क्योंकि अभी इस समय में आप देखे जाने हैं, तो भाई एनवीडिया भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर काम कर रहा है, और एएमडी भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, और यहाँ पर आपको ये भी इंटेल भी उनसे कॉम्पीट करने के लिए वही सब फीचर प्रोवाइड कर रहा है, जो कि वो दोनों कर रहे हैं। ठीक है, फिर सेकंड यहाँ पर आपको एआई अपस्केल देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर डीप लर्निंग का भी यहाँ पर सब पूरा सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। गाइस देखो, अभी इस समय जितने भी ग्राफिक कार्ड आ रहे हैं ना, उससे देखा जाए तो यार जो ग्राफिक कार्ड आएगा, जो कि होगा इंटेल आर्क अल्केमिस्ट, इसमें आपको ना डीप लर्निंग और एआई का काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेशन मिलेगा। क्योंकि गाइस, अभी इस समय जितने भी भाई कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, या फिर कंप्यूटर रिलेटेड मतलब हार्डवेयर्स होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा एआई और डीप लर्निंग को काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेट करा जा रहा है। तो गाइस, यहाँ पर इंटेल ने भी सोचा है कि गाइस हम अपने जीपीयूज में काफ़ी ज़्यादा एआई और डीप लर्निंग को भी इंटीग्रेट करें, तो यहाँ पर आपको एआई अपस्केल भी देखने को मिलने वाला है। थर्ड बात करें, डीएलएसएस भी आपको देखने को मिलने वाला है। अब किस नाम से आएगा वो नहीं पता है, पर डीएलएसएस भी आपको इस ग्राफिक कार्ड में देखने को मिलेगा। मतलब पूरे कंप्लीट पैकेज के साथ यहाँ पर इंटेल अपना ग्राफिक कार्ड लॉन्च करने वाला है, और काफ़ी जल्दी हमें ग्राफिक कार्ड देखने को मिलने वाला है, और नाम इसका जो होगा वो होगा इंटेल आर्क अल्केमिस्ट। अब गाइस, बात करते हैं इसके लाइनअप की, कि भाई कितने लाइनअप पे हमें देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, यहाँ पर जो रूमर्स निकल के आ रहे हैं, वैसे अभी इंटेल ने प्रॉपरली कंफर्म नहीं करा है, पर जो रूमर्स निकल के आ रहे हैं, बोला जा रहा है कि यहाँ पर हमें तीन लाइनअप पे देखने को मिलेगा। जो सबसे बड़ा वाला होगा, उसमें हमें 16 GB VRAM देखने को मिलेगी। जो सेकंड नंबर पे होगा, उसमें हमें 12 GB VRAM देखने को मिलेगी। और जो थर्ड नंबर पे होगा, उसमें हमें 6 GB VRAM देखने को मिलेगी। और बोला जा रहा है जो सबसे बड़ा वाला है, जिसमें 16 GB VRAM है, उसमें शायद वो कम्पीट करेगा 3090, यानी RTX 3090 से कम्पीट करेगा। अब गाइस, ये तो फ्यूचर ही बताएगा कि गाइस कितना पावरफुल होगा, या फिर RTX 3090 को ये हरा पाएगा, या फिर उसके बराबर भी परफॉर्मेंस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये तो फ्यूचर में ही मालूम पड़ेगा। तो गाइस, ये लाइनअप होने वाली है, और इंटेल भी अपने जीपीयूज को काफ़ी जल्दी लॉन्च करने वाला है। क्योंकि गाइस देखो, यार थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि इस समय जो भी चल रहा है ना, एक तो कोविड का भी देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं असर है ही। सेकंड थिंग, यहाँ पर जो भैया शॉर्टेज चल रही ना सेमीकंडक्टर को लेकर, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि आपको मैंने वीडियो में बता ही दिया था कि भाई जीपीयू के प्राइस वापस क्यों इंक्रीज़ हो रही है, वापस क्यों बढ़ रही है, वो तो आपको मैंने वीडियो में पूरा बता ही दिया था, जो कि आई का बटन दबा के वीडियो देख सकते हो अगर आपको जानना है कि जीपीयू के प्राइस वापस क्यों बढ़ना शुरू हो गई है। क्योंकि गाइस ग्लोबल लेवल पर शॉर्टेज हो रही है, जिससे ये होता है कि गाइस अगर कुछ भी दिक्कत होना, या फिर कोई भी एक चीज़ की दिक्कत होना, शॉर्टेज हो जाती है ना, तो गाइस पूरे जीपीयू लाइन में शॉर्टेज हो जाती है। तो उस वजह से भाई इंटेल हो सकता है कि अपना जो जीपीयू कार्ड है, या फिर जो ग्राफिक कार्ड है, उसमें थोड़ा डिले और हो सकता है, बट बोला जा रहा है कि भाई एक्सपेक्ट कि अगले साल की शुरुआत तक ये लॉन्च हो जाएगा। तो गाइस, आप कितना एक्साइटेड उस ग्राफिक कार्ड को लेकर, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस, अगर ये ग्राफिक कार्ड लॉन्च होते हैं, तो क्या इसके आप पहला जो जनरेशन आएगा इंटेल आर्क अल्केमिस्ट, उसको आप बाय करोगे या नहीं करोगे, या फिर आप वेट करोगे कि भाई नेक्स्ट जनरेशन तक देखते हैं कि भाई इसकी ग्राफिक कार्ड सही में वैल्यूएबल फनी है या नहीं है। तो मुझे
कमेंट करके बताना कि गाइस क्या आप इस पर ट्रस्ट दिखाओगे या नहीं दिखाओगे। वैसे देखो यार इंटेल भी काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी पहले से प्रोसेसर बनाती है, शायद तक पहले सबसे पहले इसने प्रोसेसर बनाया था। और गाइस सबसे पहले बात करें ना तो गाइस देखो प्रोसेसर में काफ़ी बड़ी जाइंट कंपनी है, तो गाइस जीपीयू में भी अच्छा काम करेगी। और जो अभी फ्यूचर्स आ रहे हैं या फिर जो अभी इनके रूमर्स आ रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि भाई एएमडी और एनवीडिया को अच्छा कंप्यूटर यहाँ पर मिलने वाला है। तो मुझे कमेंट करके बताना जरूर कि गाइस आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस आपको कुछ चीज़ पूछना हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। इस वीडियो में इतना ही, होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।